assalamu alaikum students students i am your english teacher from supreme education school system students this is our lecture for class 5 class 5 i hope you all are fine and good stay home stay safe students today we are going to study students unit number 10 on your textbook page number 49 and cow tail cow tail is a story of a cow स्टोरी दिस स्टोरी रिलेट टू काओ ये कहानी जो है ये एक गाय है उससे रिलेट है सो लेट स्टार्ट रीडिंग टॉम ग्रांट अ फार्मर इन आ विलेज टॉम ग्रांट इज अ नेम ऑफ अ फार्मर एक किसान का नाम है जो कि एक गाँव में रहता है ठीक है टॉम ग्रांट अ फार्मर इन आ विलेज टॉम ग्रांट एक किसान है जो गाँव में है कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ His cow kept escaping from the cow shed at night. student as you can see some new words you, uh, you also underline these words on your te uh, textbook. So Tom Grant a farmer in a village could not understand how his cow kept escaping from the cow shed at night. टॉम ग्रांट एक किसान है जो गांव में रहता है कुड नॉट अंडरस्टैंड वो ये नहीं समझ पाता था हाउ हिज काउ एस्केपिंग फ्रॉम द शेड एट नाइट एस्केप मतलब फरार हो जाना या निकल जाना बच के निकल जाना एंड शेड मीन जो ज, बाड़ा होता है बाड़ा किसको कहते हैं जहाँ पर हमारी जो गायें हैं वो रहती हैं उस जगह को बाड़ा बोला जाता है सो शेड मीन बाड़ा जहाँ पर मवेशी रखे जाते हैं किसान ये बिल्कुल नहीं समझ पाता था कि किस तरह से उसकी जो गायें हैं वो रात को बाड़े से बाहर चली जाती हैं ही हैड टू बोल्ट्स बोल्ट्स मीन होता है कुंडी कुंडियाँ जो हम लोग गेट पे लगाते हैं उसको बोल्ट्स बोला जाता है ही हैड टू बोल्ट्स ऑन द गेट उसने गेट के ऊपर दो कुंडियाँ लगाई हुई थी सो ही थाट पीपल ट्राइंग टू स्टील हीज एनिमल तो ये सोचता था कि लोग जो हैं उसके जानवर चुराने की कोशिश करते हैं आ नेबर नेबर हमसाए को कहते हैं अ नेबर सेट अप अ सिक्योरिटी कैमरा टू कैच द कल्प्रिट कल्प्रिट मीन मुजरिम क्रिमिनल को बोला जाता है अ नेबर उसके हमसाए ने एक सिक्योरिटी कैमरा जो है वो सेट किया हुआ था टू कैच द कल्प्रिट मुजरिम को पकड़ने के लिए या चोर को पकड़ने के लिए वट आर सरप्राइज फॉर फार्मर ग्रांट वेन ही लुक्ड एट द वीडियो किसान के लिए ये बहुत ज़्यादा हैरान हैरानकुन था वैन ही लुकड एट द वीडियो जब उसने ये वीडियो देखी उसने क्या देखा था वीडियो में डेजी डेजी नेम ऑफ अ काओ डेज़ी वन ऑफ हिज वेरी ऑन काओ डेज़ी जो कि उसकी बहुत ही प्यारी गाय थी हैड लर्न हाउ टू अनलॉक बोथ बोल्ट एंड वॉज लेटिंग ऑल द काउज आउट ऑफ द बैरन डेजी जो कि उसकी बहुत ही प्यारी गाय थी उसने ये सीख लिया था कि किस तरह से उन कुंडियों को खोला जाता है और वो जो थी और वो तमाम जो गाय थी उनको बैरन मीन बाड़े को बोला जाता है बाड़े से तमाम गाय को बाहर लेकर जा रही थी डेजी अनलॉक द बॉल बाय कर्लिंग हर टंग अराउंड देम डेजी ने कुंडियों को खोला बाय कर्लिंग हर टंग अपनी ज़ुबान को घुमाते हुए कर्ल मीन घुमाना अराउंड देम के गिद एंड पुल पुलिंग दैम बैक और उनको पीछे की तरफ खींचा डेजी इज वेरी क्लेवर जो डेजी थी वो उसकी बहुत ही चलाक गाय थी सो यू कैन सी पिक्चर ऑफ सम सो समेयर इज अ पोइम ऑल्सो द फ्रेंडली काओ। इन दिस पोइम स्टूडेंट द बॉय इज प्रेजिंग द काओ एंड टेल how useful she is for us what he says he says the friendly cow all red and white I love with all my heart she gives me cream with all her might to eat with apple tart kya kehna chara hai this is very friendly cow she is red and white I love her with all my heart she gives me cream which I eat with my apple tart ke जो गाय हैं वो सुरख और सफ़ेद कलर की हैं आई लव माई हार्ट मैं इनको बहुत दिल से प्यार करता हूँ शी गेव मी क्रीम ये मुझे क्रीम देती हैं टू ईट विद एप्पल टार्ट एप्पल टार्ट एक स्वीट डिश को बोला जाता है जो मैं एप्पल टार्ट के साथ खाता हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कह रहे हैं वट ही सेड ही सेड शी वंडर्स लोइंगयर एंड देयर एंड येट शी कैन नॉट स्ट्रे all in the pleasant open air the pleasant light of the day what is the summary of this paragraph is she keeps on roaming here and there in the field and meadows but never get lost she wanders in open air during the pleasant daylight के वो इधर उधर घूमती फिरती रहती हैं वेंडर्स मीन इधर उधर घूमना फिरना वो इधर उधर घूमती फिरती रहती हैं और वो कभी भी घूमती नहीं हैं ऑल इन द प्रिजेंट ओपन एयर वो खुली हवा में दिन की रोशनी में बहुत ज़्यादा खुश होती हैं या उनको बहुत अच्छा लगता है वो गाय की बात कर रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कह रहे हैं एंड ब्लॉन बाय ऑल द विंड दैट पास्ट एंड वेट विद ऑल द शावर्स शी वॉक्स अमंग द मिडो ग्रास एंड ईट द मिडो फ्लार्स अब क्या कह रहे हैं शी इन्जॉय द ब्लोइंग विंड एंड लव द शावर वैन शी वेट कि वो जो हैं जो हवा चलती है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और जब वो गीली हो जाती हैं तो उनको उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा वो चलती हवा को वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और जब वो गीली हो जाती हैं तो वो उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं शी वॉक्स अमंग द मिडो ग्रास वो मिडो कहते हैं चरागा जहाँ पर घास जो है गायें खाती है वो चरागा की घास पर जो है वो चलती फिरती हैं ईट द मिडो फ्लावर्स और वो वहाँ पर चरागा में फूल भी खाती हैं सो सो स्टूडेंट्स दिस इज आर स्टोरी अबाउट काउटेल सो स्टूडेंट्स बेटा योर होम असाइनमेंट ऑन योर पेज नंबर फिफ्टी टेक्स्ट बुक बी पार्ट फाइंड वर्ड अबब दैट मैच द डिस्क्रिप्शन बिलो बेटा आपने ऐसे वर्ड्स यहाँ पे राइट डाउन करने हैं जो कि आपके इस डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं फॉर एग्जाम्पल पर्सन नेक्स्ट डोर जो इंसान हमारे घर से आगे रहता है या हमारे घर के साथ रहता है उसे क्या बोला जाता है नेबर बोला जाता है सो वर्क विद एनिमल ऐसे लोग जो कि जानवरों के साथ काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है लाइक like. उनको क्या कह सकते हैं हम फार्मर्स कह सकते हैं टेक विदाउट परमिशन, कोई भी चीज़ किसी की इजाज़त के बगैर लेना वो क्या कहलाता है स्टील चोरी कहलाता है इस तरह से रिमेनिंग वर्ड्स जो हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं नेक्स्ट सी पार्ट इज अमेजन यू वर फार्मर ग्रांट टिक हाउ यू वुड फील अबाउट डेजी ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ फॉर्म फार्म आपने क्या करना है यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपने बताना है कि अगर आप किसान होते तो आप डेजी के बारे में क्या फील करते हैं ठीक है तो आपने नीचे जो है ड्रा आ पिक्चर ऑफ फार्म यहाँ पर आपने एक फार्म की पिक्चर जो है वो ड्रा करनी है एंड स्टूडेंट्स यू आल्सो एंड स्टूडेंट्स यू आल्सो लर्न दिस रीडिंग केयरफुली एंड वंस अगेन Take care of yourself. Stay home. Stay safe. Allah Hafiz.